ग्वालियर जिला पंचायत सदस्य नेहा परिहार ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल को एक आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री एवं लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी पर धमकाने एवं अपने लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। नेहा परिहार का कहना है कि इमरती देवी उसकी राजनीतिक सलाहकार रही हैं और कई मौकों पर उन्होंने उसकी मदद भी की है। जिला पंचायत सदस्य नेहा परिहार ने कहा कि उन्हें अध्यक्ष बनवाने के लिए इमरती देवी ने 45 लाख रुपए लिए थे, वह पैसे भी इमरती देवी ने वापस नहीं किए हैं। एसपी राजेश चंदेल ने मामले में जांच के बाद कोई कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जिला पंचायत सदस्य को दिया है। आज आप क्या शिकायत लेके आई हैं, क्या मामला चल रहा था? मेरे को भैया इमरती देवी मेरे पति को जान से मारने की धमकी दे रही हैं और हमारे बच्चों तक को मारने की, मुझे भी धमकी दे रही हैं कि तुमने अगर ऐसा किया तो हम तुम्हें मतलब डबरा में रहने नहीं देंगे। मुझे क्या क्यों करेंगे? उनको ऐसा लगता है कि उनके कोई फाइटर नहीं होना चाहिए विधानसभा के लिए। आपने और भी आरोप लगाए थे कि उन्होंने पैसा? हाँ बिल्कुल, हमने इनने हमसे 45-45 लाख रुपए लिया था जिला अध्यक्ष की, जब दावेदारी आई हम जिला सदस्य बन गए, उसके बाद दावेदारी के लिए हमें कोई गॉडफादर तो था नहीं कि कोई हमारे को शुरू से ही ये इमरती देवी सपोर्ट करती आ रही थी, तो उनने बोला कि अध्यक्ष के लिए कुछ खर्चा होगा उसमें आपको पैसे देने होंगे, तो हमने बोले ठीक है होता है, हमने 45 लाख रुपये दिए, ना हमें अध्यक्ष ही मिली ना हमारे पैसे अभी तक रिटर्न मिले। आपने कितने पैसे पहले दिए थे और कितने पैसे आपके वापस हुए हैं ये जानते? नहीं, अभी हमने 45 लाख रुपए दिए थे इमरती देवी के हाथ में दिए थे, वो उनने रिटर्न नहीं करे हैं। किस बात के पैसे मांगने में? अध्यक्ष के लिए खर्चा होगा, ऐसे कि तमाम लोगों को देने पड़ते हैं ये वो, उन्हीं के हाथ में दिए थे। क्या एविडेंस आपके ऊपर, क्या आरोप लगाए? हम उनके डायरेक्ट बोल सकते ना, आप बताइए, जब अगर कोई झूठा होता तो सामने इतना डायरेक्ट थोड़ी ना बोलता, कैश दिया था इमरती देवी के हाथ में दिया था, इमरती देवी के घर पे दिया था। क्या बोला आपने? एसपी आपने क्या बोला अभी? नहीं अभी जांच करवाएंगे वो, क्योंकि कॉल्स आ रहे हैं तो हम पे रिकॉर्डिंग तो नहीं है, पर आप उनकी वो तो ले सकते हैं ना, डिटेल्स तो निकलवा सकते हैं। ये एक जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने बातचीत करने उनको कहा उसके लिए धमकाया है। अभी उनका जो आवेदन मिला है उसको पुलिस ने दिया है जांच में, उसमें एविडेंस लेके कार्रवाई करेगी। जिस तरह के आरोप लगाए हैं क्या कुछ सबूत हो रहा है या ऑडियो? अभी कोई ऐसा एविडेंस इन्होंने भी पूछा था इनसे कि अगर इनके पास कोई साक्ष्य है, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है तो देख, क्योंकि राजनीति में आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अगर एविडेंस मिलेगा तो उस पर कार्रवाई। इन्होंने बोला कि इनके जेठ जी को भी बिठा के रखा हुआ है इमरती देवी ने, इसके बारे में अब इस संबंध में तो नहीं मेरे पास जानकारी। सुरक्षा की मांग भी करी उन्होंने, सुरक्षा नहीं मेरे पास कोई जानकारी। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर झूठे केस लग सकते हैं, इसकी उन्होंने कहा है, देखेंगे उसको।